लेह के इन मुश्किल इलाकों ने हमारे इस जर्नी को एक नाटकीय मोड़ पर ला दिया। तो मैं गुजर रहा था तो पहाड़ ऊपर तक गिर रहा था, रास्ते में गाड़ी लोगों ने बोला कि रुक जाओ, पर हम लोग रोके नहीं कि हम लोग दिखाई नहीं लोगों को। तो धीरे धीरे खिसलते हुए आ ही रहा था तो हम लोग की गाड़ी आगे बढ़ गई। वो पीछे से बहुत तेजी में पहाड़ पत्थर जो है बहुत तेजी नीचे गिर गया, काफी बड़ा पत्थर था, थोड़ा दिक्कत और डर भी लगा इस चीजों में। मगर फिर भी हम लोग आगे निकल गए। लेकिन असली कहानी इसके पहले शुरू हुई। हमारे इस अनोखे जर्नी की शुरुआत होती है दिल्ली की व्यस्त सड़कों से। हमारा लक्ष्य अपोलो टायर के एक सेट पर सबसे लंबी जर्नी तय करने का रिकॉर्ड बनाना। ये सफर कई लैंडस्केप्स में फैला हुआ है जो हमारे ट्रक और हमारे विल पावर दोनों की परीक्षा लेगा। पहाड़ एक तरफ खाई है, जरा सी चूक होना मतलब कि अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठना, ये सब चीज़ें हैं। तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, ड्राइविंग स्किल्स अच्छी थी, तो मेंटेन किया हम लोगों ने भी, ध्यान रखा, साइड्स देखते रहे, बताते रहे कि यहाँ ठीक है, कर्व्स पे हॉर्न देना है, चीज़ें करनी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल और अम्बारा से गुजरते हुए हमने हर शहर की अपनी संस्कृति का अनुभव किया। चंडीगढ़ से लेकर लुधियाना और जालंधर तक हर एक शहर ने एक अलग चैलेंज पेश किया। हमारे अपोलो टायर्स की मजबूती और हमारे ड्राइवर्स की स्किल ने उन सभी चुनौतियों का सामना किया। अमृतसर पहुंचते ही एक नई ऊर्जा से मुलाकात हुई, जहां गोल्डन टेंपल परंपरा और आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। ग्राहकों से भरे मार्केट्स के बीच हमारे ड्राइवर ने अपने हुनर और हमारे टायर्स ने रेजिलियंस दिखाते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाया। श्रीनगर में डल झील और घुमावदार पहाड़ी सड़कों ने चैलेंजेस का एक अलग ही अंबार पेश किया। अभी हम लोग श्रीनगर से निकले थे और अब कुछ ही समय में, कुछ ही थोड़ी बहुत देर बाद हम लेह पहुंचेंगे। रास्ता काफ़ी चैलेंजिंग था और काफ़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ आर्मी मूवमेंट ज़्यादा होते हैं श्रीनगर से लेह के बीच में। तो वाया कारगिल होते हुए हम सीधा लेह पहुंचने वाले हैं और रास्ता काफ़ी सीनिक ब्यूटीज़ थी और रास्ता काफ़ी ठीक था, टायर ने अच्छा परफॉर्मेंस करा। गाड़ी हमने सुबह चेक करके निकले थे, टायर प्रेशर ये सारी चीज़ें हम चेक करके निकले थे और गाड़ी के टायर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा। श्रीनगर की पश्मीना शॉल, जो कि कश्मीरी शिल्प कला का प्रतीक है, इसने हमारी यात्रा में एक लोकल हेरिटेज को जोड़ दिया। सोनमर्ग के बर्फीले विस्तार ने हमारी हिम्मत की परीक्षा ली। यहाँ ऑफ रोड परिस्थितियों में टायर्स ने असाधारण परफॉर्मेंसेस दिए। आपने सुना होगा अपनी बॉडी का खुद ही इंसान को ख्याल रखना होता है, बॉडी जब ही सही चलती है। तो जिस चीज़ से हम चल रहे हैं, जो हमारे पास गाड़ी है, उसको हमें अपने बॉडी की तरह रखना पड़ता है, जिससे कि हमें ये लगता है कि टायर का प्रेशर हमें चेक करना होता है, क्योंकि पहाड़ों में जो है टायर प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टायर इंजन ऑयल का कंडीशन क्या है, गाड़ी का बैलेंस कितना है, टायर प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें देखते हुए चलता है, क्योंकि बारिश कहीं भी मिल जाती है, अचानक से स्लिपरी बारिश में टायर फिसल जाता है, तो वो जो प्रेशर है उस टाइम पे वो बहुत हमारे हेल्पफुल होता है। कारगिल के रास्तों ने मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन अपोलो टायर्स की मजबूती ने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि हम अपनी जर्नी शुरू रख सकें। लेह, ऊंचाई पे बसा खूबसूरत शहर, अपने साथ सुंदरता और मुश्किल रास्ते दोनों ही लाता है। गिरती चट्टान इस जर्नी के दौरान के चैलेंजेस को दिखाती है जिसका हमने सामना किया था। फिर भी इसके बीच लेह की सुंदरता आपको अट्रैक्ट करती है, पर्टिकुलरली यहाँ के रैक्से कार्पो एप्रिकॉट्स, जो अपने स्वाद और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए फेमस है। मनाली और शिमला में मंडियां लोकल जीवन की एक जीवंत झलक पेश करती है। ताजा सब्जियां और सहज आदान प्रदान से समृद्ध ये थोक बाजार इस क्षेत्र की एग्रीकल्चर इकोनॉमी का अभिन्न अंग है। मनाली में हमने किन्नौरी शॉल को भी बारीकी से परखा, जो कि एक और GI टैग प्रोडक्ट है। GI टैग होने से हमें ये बेनिफिट है कि इंटरनेशनल में हम इजीली मतलब इसको प्लेस कर सकते हैं या बेच सकते हैं,
तो बिना जीआई टैग के आप बाहर नहीं जा सकते कहीं, जैसे एक्सपोर्ट करना कोई ना, तो उससे मतलब जीआई टैग से फायदा हुआ। अपने जटिल डिजाइन के लिए जाने जाने वाले ये शॉल यहाँ की समृद्ध बुनाई परंपराओं का प्रमाण है। धर्मशाला की ओर बढ़ते हुए धौलाधार माउंटेन्स की शांत सुंदरता ने हमारा स्वागत किया। धर्मशाला की धुंधली पहाड़ियां और शार्प टर्न्स हमारे अपोलो टायर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं बनी। देहरादून में उतरते ही हमारा स्वागत बारिश ने किया, जो सड़कों को और ही डेंजरस बना दी थी। लेकिन अपोलो टायर्स के साथ ये मुश्किल भी हम आसानी से पार कर गए। देहरादून से निकलकर हम हरिद्वार पहुंचे, जहां गंगा शहर के प्राचीन घाटों से होकर गुजरती है। हमारी यात्रा का पहाड़ी सफर नैनीताल में समाप्त हुआ, जो नैनी झील के चारों ओर बनी एक पहाड़ी हिल स्टेशन है। नैनीताल की ओर जाने वाली सड़कें हाल ही के बारिश में स्लिपरी थी, लेकिन हमारे ड्राइवर्स के एक्सपीरियंस और अपोलो टायर्स की स्टेबिलिटी ने पूरा साथ दिया। इस पूरी जर्नी के दौरान हमारे ड्राइवर्स ने विभिन्न इलाकों और परिस्थितियों में गाड़ी चलाते वक्त अपने कौशल और हुनर का बहुत प्रदर्शन किया। उनका ये कमिटमेंट और अपोलो टायर्स की भरोसेमंद परफॉर्मेंस हमारी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी थी। लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। नवाबी शानो शौकत की गूंज वाले लखनऊ की ऐतिहासिक गलियों से हम आगे बढ़ते हैं वाराणसी की तरफ, जो एक अनंत नगरी है और जहां गंगा सदियों पुराने रीति रिवाज और शाश्वत अध्यात्म की कहानियां गुनगुनाती है। इस सफर में हम ऐसे कई रास्तों से गुजरेंगे जहां हर मोड़ हमारे सफर की एक नई कहानी को उजागर करेगा और हर मंजिल कुछ अनोखा लेकर आएगी। स्टे विद अस ऑन अपोलो टायर्स एंड सीएनबीसी आवाज प्रेजेंट्स भारत का सफर, India's Endumax Expedition in association with First Post.